हेलो दोस्तों, आरबीए सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे बच्चे ये क्वेश्चन छोड़कर जरूर आते हैं, तो हम आपको ऐसा कराएंगे कि आप छोड़कर न आए। तो आइए हम चलते हैं। देखिए दिया है 5/4 + 7/4 - 10/11। हमको इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, 11 का क्या करेंगे, 4 में गुणा कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना गुणा करेंगे उतना आएगा, उसमें से हम 10 को घटा देंगे। तो देखिए 11 चौक कितना होता है 44, और 44 में से यदि हम 10 को घटा देंगे तो कितना होगा 34। तो लिखेंगे 5/4 + 7/ कितना हो जाएगा। ये देखो, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 44 जब गुणा करोगे तो, उसके बाद माइनस का 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 34। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 34/11। क्या लिखेंगे, 11। ठीक, अब देखिए, अब आप यहाँ आके फंसते होंगे कि हम यहाँ पे कैसे करें। तो देखो यहाँ करने का एकदम आसान तरीका, लिखेंगे 5/4 + दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखना कि आपको इसमें नीचे से हल करते ऊपर जाना है। ये मत करना कि ऊपर से हल करते आना, ऊपर से करते आओगे तो नहीं हो पाएगा, तो नीचे से करना। देखो ये हो गया 5/4 + अब इन तीनों को देखो, इन तीनों को ध्यान से देखो, आप इस 11 को इस साथ में क्या करो, गुणा कर दो। क्या करो, गुणा कर दो, तो कितना होगा 77। 11 से कितना होता है 77/34। ठीक, ये आपका आ गया। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इस 34 से 4 में यदि गुणा कर दें, अब गुणा करने पर जितना आएगा उतना में से हम 77 को घटा देंगे, जोड़ देंगे। देखो जोड़ दिया है, तो जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा, तो देखो आपका हो जाएगा 5/ देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 × 16 = 16 × 6 हासिल कितना, 1 × 4 = 12 × 12 = 13 यानी 136 आ रहा है। तो आप लिखेंगे कितना, लिखेंगे 136 + 77 कितना 34। ठीक, इक्वल टू, अब देखिए आपको यहाँ हमने बताया, देखो ये 7/34 कितना 11 है, उसी तरफ ये है। तो हमने आपको बताया है इस 34 का गुणा किसमें करेंगे, 5 में कर देंगे। तो लिखेंगे 5/34 कितना 136 + 77 = कितना हो जाएगा, 5 × 20 = 0। ठीक, हासिल बचा 2, 5 × 15 = 17 यानी 117 कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 13 हासिल 7 × 3 = 10 1 × 11 = 11 और 1 और 1 = 2 यानी 213। आपका आंसर कितना आया, 170/213 इज राइट आंसर। तो चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपने ये देख लिया, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यदि 2 = x + 1/x + 1/3 + 1/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमने आपको बताया है, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप नीचे से हल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो चलिए हम इसमें नीचे से हल करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का गुणा किसमें कर देंगे, 3 में करेंगे। उसके बाद जितना आएगा इसमें 1 में हम जोड़ देंगे। तो देखिए लिखेंगे 2 = x + 1/1 + 1/ कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 / 12 = 13 कितना हो जाएगा, 13/4। ठीक, आपका यही होगा। हमको क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो आप लिखेंगे 2 = x + 1/1 + 1/13/4। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणा 1 में कर देंगे, किसमें करेंगे, 1 में कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 2 = x + 1/1 + 4/13 यही आपका होगा। ठीक, यहाँ पे 1 प्लस रहेगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए हम इस 13 का गुणा 1 में कर देंगे और प्लस का 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 = x + 1/13 × 13 = 13 कितना होता है 17/13 ये आपका हो जाएगा 2 = x + 13 का गुणा 1 में कर देंगे 13 = 17। ठीक, अब इसमें किसका मान निकालना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अब इसको हम जानते हैं। देखो हम इसको लिखेंगे x = 13/17
और जब देखो ये आपका प्लस में है टू, जब इधर हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस टू में जाएगा, जायज है कि जाएगा। तब हम इसमें क्या करेंगे, 17 का गुणा हम इसमें करेंगे, दो में करेंगे, और इसमें से हम क्या करेंगे 13 को घटा देंगे, तो आपका यक्स का मान निकल जाएगा। यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 34 बटा 17। अब 34 में से 13 को घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, यक्स इक्वल टू 21 बटा 17। तो आपका आंसर कितना रहा है, 21 बटा 17। तो दोस्तों यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।